ਮਾਰਨਿੰਗ 9ਥ ਕਲਾਸ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋਵੋਗੇ ਅ ਨੈਕਸਟ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 15 ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਆ ਔਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆ ਬੜੇ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸ਼ਨਸ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟੈਸਟ ਲਏ ਆ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫਲੇਜ ਕੁਐਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ थोड़ा जार कॉन्फिडेंस गेन कर ला जो सा उस नंबर वी वटा भी पक्का ही आन राइट चलो फिर स्टार्ट कर दें तो देखो की है तो ले? हमेशा पेपर तो पहला अपने पर्टिकुलरस भरने पर नेम फादर नेम दैन क्लास सबजैक्ट डेट मोबाइल नंबर स्कूल है ना क्लास नाइन सबजैक्ट कड़ा साइंस मीडियम इंग्लिश तरीक पा दो तरीक कि पंद्रह सत्त भीह सौ भीकुलर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तीन पार्ट होगा पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट एक्टे अठ क्वेश्चन हो गए एक एक नंबर के पार्ट बीच कोशन हो गए दो नंबर के और पार्ट सी दो क्वेश्चन हो गए तीन तीन नंबर के टोटल किन्ने नंबर हो गए वी नंबर हो गए तो ठीक है तो अपना क्वेश्चन पेपर करना स्टार्ट करते हैं पहला हैल शॉर्ट आंसर या तीस कह लो एमसीक्यूज़ तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन देखते दे हैं फर्स्ट क्वेश्चन है इवेपोरेशन इज कॉल्ड एज सरफेस फिनोमिना बल्क फिनोमिना बोथ ए एंड बी एंड यूनीक अच्छा जी तो तुसी पहला अपनी आंसर शीट पर क्योंकि पार्ट ए आ तो ती पार्ट ए मैनशन करोंगे दैन ਆਉਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਦਾ ਦਾ ਫੀਨੋਮੈਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆ ਲਿਕਵਿਡ ਪਿਆ ਇਹ ਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਮੋਲੀਕਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬੌਂਡ ਛੁਡਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਸਕੇਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਈਨੇਟਿਕ એનર્ਜੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ है ना तो एक कितने हो रहा सब कुछ सर्फेस हो रहा बल्क कितने बल्क गब्बे गब्बे नहीं ना हों कि हो रहा सर्फिस हो रहा तो तीन यदि आंसर की फिल करोंगे ए मेंशन भी कर देंगे कि है साढ़े को सरफेस फ ठीक है अच्छा जी उस सैकेंड सैकंडी दे देखते हैं कि पुछता पाया सैकेंड पुछ रहा on converting 25 degree celsius 38 degree celsius and 66 degree celsius to kelvin scale the correct sequence of temperature will be hun ide option padan di halle ni load pehla oh ki kehnda paya ki tade kole temperature hai 25 tade kole temperature hai 38 te tade kole temperature hai 66 theek hai is sare temperature kitda hai degree celsius de vich tusi enu kis vich convert karna kelvin vich convert karna tonu pata hai scale de vich ki karde hunde hai conversion de vich assi enu ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਐਡ ਕਰ ਦਨੇ ਆ 273 ਤੋਂ ਐਡ ਕਰੋ 273 ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 298 ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਚ ਵੀ 273 ਐਡ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 11 11 3 311 ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬਾਈਚਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ 25 ਵਾਸਤੇ 298 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 38 ਵਾਸਤੇ 311 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੋਂ ਇਹ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ थ्री थर्टी नाइन आऊगा चलो चेक कर लू सैवंटी थ्री एड कर लो कि हो गया और थ्री थर्टी नाइन तो किस करेक्ट है ए ऑप्शन करेक्ट है आपस कभी भी देखिए और नाल दी नाल चेक भी कर लिया टू नाइनटी एट है दैन थ्री हंडर्ड इलेवन है दैन थ्री थर्टी नाइन है ठीक है करैक्ट आंसर भी नाल दी नाल लिख दिते उस तो बादड क्वेश्चन ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਟਿੰਡਾਲ ਇਫੈਕਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੌਣ ਟਿੰਡਾਲ ਇਫੈਕਟ ਦੇਊਗਾ ਟਿੰਡਾਲ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਿਆ ਆਇਆ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਟਾਰਚ ਜਗਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਟਾਰਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪਾਥ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪਾਥ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਹਨਾ ਤੋਂ ਪਾਰਟਿਕਲਸ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ तो ऑप्शन सोल्यूशन शुगर सोल्यूशन, सोप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एक सोल्ट सोलूशन एन एस सी एल ठीक है, है, है उस तो बाद शूगर हैलफेट है जो भी एना तिना चीजा सोल्यूशन बना क्लीअर सोल्यूशन बन दु कह कि बनता है तो होमोजीनिय होमोजीनियस सोल्यूशन ठीक है पता है होमोजीनियस सोल्यूशन जो पात है सोल्यूशन कलायडल सोल्यूशन तो किस बच गई सोप सोल्यूशन बच गया तो जो सोप जो सोल्यूशन है एक टाइप का कलाइडल सोल्यूशन है ठीक है सोप सोल्यूशन जो लाइट बीम पाओगे तो पाठ की करूंगी लाइट का विजिबल करेगी की कहने टेंडाल इफेक्ट ठीक क्यों सोप सोल्यूशन होमोजीनियस सोल्यूशन नहीं है बाकी तीनों की है होमोजीनियस सोल्यूशन तो मेरे कौन लिखा सी और नाल की लिखना सोप सोल्यूशन रीजन पता लग गया सोल्यूशन है फोर्थ देखो फोर्थ दिनवरजन दे है वन की कहने म्यू और जो मैं पढ़ना हो वन माइक्रोमीटर इज तो वन माइक्रोमी म्यू दसू की टेन टू पार माइनसिकीक है micro. Micro तो चैक करो कि थे? पहली ऑप्शन है टेन टू पार माइनस सिक्स ठीक है तो ये ऑप्शन तो की लिखा एन भी करा टेन टू पार माइनस सिक्स मीटर फिफ्थ क्वेश्चन आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन आ गया इना तो जो थले दे दे दी है, तो चलो देखते हैं माइटोकॉन्ट्रीलाइज पैक्यूज हों सिंगल मैमरेन तो मैं बी ऑप्शन लिखा और लिखता वैक्यू ठीक है जी सिक्स पार्ट देखो सिक्स दे पार्ट है okay. Suppose, a boy is enjoying a ride on a merry go round theek hai oh ki karda paya merry go round oh gol wala chula drum wala chula oh de vich ki kar reha hai ride le reha which is moving with constant speed of 10 meter per second de jeda oh merry go round hai oh kida kedi speed na ja reha 10 meter per second de na ja reha it implies that the boy is ina matlab ki huga boy kithe hai boy at rest te hai moving with no acceleration hai इन एक्सेलरेटेड मोशन है या मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो देखो जो सर्कुलर मोशन की गल की आ सपोज तो कर लोडा तो मैरीगो राउंड है है ना तो की कर रहे हैं जोड़ा मैरीगो राउंड है एडी स्पीड है वह किन्सटेंट स्पीड ने जा, जा रहा टेन मीटर पर सैकंड है ना तो देखो जी वलोसिटी है वेलोसिटी की है तो को वैक्टर क्वानटिटी है ठीक है जी वैल्यू चेंज कदी है जी वैल्यू चेंज होगी या तो मैगनीच्यूड चेंज हो डायरेक्शन चेंज, हो की हो चेंज हो है ना जेकर दोनों च कोई भी दोनों होंगे नहीं है दोनों च कोई भी हूं तो असं कहने वलोसिटी वेरी कर रही है हम ध्यान देखो मैरीगोराउंड चल रहा इत डर है इथे डायरैक्शन होर है डायरेक्शन हो रहा है इत डायरेक्शन हो रहा है तो डायरेक्शन चेंज हो रही है हो रही है तो यदा मतलब ओ पहली गलता मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो है नहीं क्योंकि डायरेक्शन की हो रही है चेंज, चेंजद मतलब ठीक है उस तो बाद है? नहीं रेस्ट तो नहीं है चलता रहा है ठीक मूविंग विद नो एक्सलरेशन वलॉसटी के चेंज आ रहा है ठीक है क्यों डायरेक्शन वैल्यू टेन तो चेंज हो रही है बस मैगनीच्यूड सेम है डायरेक्शन की कर रही है थोड़ी बहुत चेंज कर रही है ठीक है हर एक पॉइंट कर रही है चुका इन एक्सलरेटिड मोशन ना ही रेस्ट ना ही मूविंग विद नो एक्सलरे क्योंकि एक्सलरे भी है तो असं के चुकेंगे इन एक्सलरेटिड मोशन तो ए पार्ट सही है

can get himself to shore by making the use of newtons newtons first law second law third law all the laws koi banda hai theek hai jo kithe phasya hoya hai ek perfectly smooth ice de vich phasya hoya ek pond de vich sare passe ki hogi ice ice hogi ode vich middle de vich phasya hoya hun kehnda paya middle ton banda itthe middle de vich hai middle ton shore tak kidda aave kidda aave onu telak telak ke aana pauga ya ki karna pauga ਉਸ਼ਕ ਨਾ ਪਊਗਾ ਹੈਨਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲਾਅ ਲੱਗੂਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਸਲਾ ਲੱਗੂਗਾ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਥਰਡ ਲਾਅ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲਾਅ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿਹੜਾ ਲਾਅ ਲੱਗੂਗਾ ਸੋਚੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਹੈਨਾ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਸਲਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੂਗਾ ਹੈਨਾ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਥਰਡ ਲਾ ਨਿਊਟਨਸ ਥਰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਟੂ ਏਵਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਥੇਰ इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन ठीक है तो कि सैवं थर्ड ठीक है जिन्होंने कहों थर्ड लॉ लॉ एट क्वेश्चन से आए क्वेश्चन बॉडी इज टू बी डबल फ्रॉम इट्स इनिशियल वैल्यू बाय वट फैक्टर इज द फोर्स एक्टिंग टू बी इनक्रीज तो की कह रहा है कहना पैया जेडी एक्सेलरेशन पहला ए सी ठीक हूँ जी नवी एक्सेलरेशन हो गई है दैट इज टू ए तो फोर्स से की इफैक्ट होगा सूँ पता जो फोर्स होंगे दैट इज इक्वल टू तो एम ए है ना तो न्यू फोर्स की होजूगा एफ प्राइम इज इक्वल टू एम इन टू नवी एक्सेलरेशन, है ना वैल्यू पुट करो एम इंटू टू ए कि हो गया टू इन टू एम ए मतलब टू टाइम्स पिछल वाला फोर्स तो होगा फोर्स एक्टिंग टू बी इंक्रीज बाय टू फोर वन ऑप्शन लिखा एट क्वेश्चन बी ऑप्शन उसक्सट क्वेश्चन है उस तो नाइन क्वेश्चन है, है जानू तो पार्ट बी का है नाग्राम ना ले तो लेबल करना है तो जोड़ा यूनिट नंबर फाइव आ ਆਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ April May ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ 5th ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਇਮੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ जिद जो ये ब्लू पार्ट है तो यू की कहें दट इज अ टोनोप्लास्ट ये टोनोप्लास्ट उस तो को बाद टोनोप्लास्ट के जो ए अंदर यमटी स्पेस है दैट इज द वैक्यूल एंड उस उसद यो जो बाहर लिक्विड लिक्विड पै दैट इज अ साइटोपलाजम उस इस पिक्चर तेब पट पर ये जो डार्क कलर दा है दैट इज दी न्यूक्लियोलस नेक्स्ट जो जो ये पूरा ना पूरा चीज है दैट इज द न्यूक्लियस एंड जो ये इन्नर ਹਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ दैट इज द ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਐਂਡ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਸੈਲ ਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਲਾਂ ਨਿਊਕਲੀਓਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਾਂ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ठीक है तो इस तरीके की करना लेबल करना और कोशिश करे जिन्हें भी डायग्राम है उन्होंने अब जरूर देखो सारे और लेबल भी करो ठीक है प्रैक्टिस जरूर करो नैक्सट चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर टेंथ पर टेंथ क्वेश्चन पर आने वट इज डीएनए वेयर इट इज फाउंड तो पहला डीएनए डीएनए की फुल फॉर्म लिखो डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ठीक है डीएनए जो मॉलीक्यूल होंगे इन्होंने दे कंटेन द नफॉर्मेन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द कंसट्रक्शन एज वैल एज फॉर ऑरगेनाइजिंग दैल राइट ए हो गया अच्छा हम वेयर इट इज फाउंड डीएनए भी दसता फंक्शन भी दस देना कितने पै हे तो डीएनए जो है इट इज प्रजेंट एज द पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटीरियल इन द न्यूक्स ऑफ द सैल which is not dividing theek hai whenever the cell is about to divide the chromatin material get organized into chromosomes to a taade kole sab kuch kele vich tuse lik dena hai dna de vich lik dena dna di full form likh deni ohda function likh dena te oh kithe paya hunda hai e vi dasna nucleus vich paya hunda hai te enu sohne tarike de naal apne aap nu enu likh lena 11th question asi dekhte ha achita can accelerate from rest एट द रेट ऑफ फोर मीटर पर सैकेंड ठीक है स्टार्ट कितो किताने रेस्ट तो, तो और कितों तक चला गया फोर मीटर पर सैकेंड चला गया कड़ना की है वट विल बी द वलॉसिटी अटेन्ड बाय इट इन टेन सेकेंड एंड हाउ फार इट ट्रेवल इन दिस ड्यूरेशन इलेवेंथ क्वेश्चन देखो अचीता कैन एक्सलरेट फ्रॉम रेस्ट

तो लिखा तो कि, कि इनिशियल वेलासिटी जिन्होंने अप्रजेंट करते हैं यू देजेंट करते दे हैं दिस इज इक्वल टू जीरो क्यों क्योंकि रेसते ठीक फिर जो एक्सलरे आया ओ तो कि आया ए इज इक्वल टू फोर मीटर पर सेकेंड स्क्यू की निकालो फाइनल वेलोसिटी निकालो तो फाइनल वेलोसिटी कि कटाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू मान लो वी ठीक है से नाओ हूँ किएशन लगाएशन लगाएशन ऑफ मोशन फस्ट इक्ुएशन ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वे ऑफ मोशन तो फॉर्मूला आंदा है स्टेटमेंट आज इक्वल टू u प्लस ए टी है ना तो वी वैल्यू की है डोंट नो एंड u की वैल्यू की है जीरो एंड a री वैल्यू एंड ऑलसो टाइम इज गिवन टाइम कि जो इतना तो वैल्यू पुट कर रहे है, तो वी वैल्यू किनवर्स ठीक है ये फर्स्ट पार्ट हो गया लो एंड पार्ट भी है सैकेंड पार्टी की कहेंडा हाउ फार इट ट्रेवल इन दिस ड्यूरेशन मतलब तारे, तारे को पुछता पाया वो तो एस दैल्यू पुछता पाया एंड यू नो एस इज इक्वल टू की भला यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्य विच इम्पलाइज एस कि वैल्यू आ गई यू दैल्यू जीरो है टी वैल्यू टेन है प्लस हाफ इन टू ए वैल्यू कि

मोजिनीट्रोजीनी तो की करना डिफरेंस करना हैट्रोजिनीस एक एक मिक्सरस तो होमोजीनियस से हैट्रोजिनीस मिक्सर की लिखों होमोजीनियस पास होमोजीनीस का मतलब सब कुछ यूनीफॉर्म है, है ना तो इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਥਰੂਆਊਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੇਮ ਜਦ ਕਿ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਹੈਵਿੰਗ ਵਿਲ ਹੈਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਇਟਸ ਪਾਰਟਿਕਲਸ ਆਰ ਨੋਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਐਂਡ ਕੈਨ ਨੋਟ ਸੀਨ ਵਿਦ ਨੇਕ ਆਈ ਅਸੀਂ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਮਿਕਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੌਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੌਲ ਦੇ ਪਾਰਟਿਕਲਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਐਂਡ

क्योंकि अगर यह क्वेश्चन आया था, तो तीन तीन नंबर का आऊगा और तुसी की करना घट्टो घट तीन नहीं पांच या छ पॉइंट लिखने हैं ठीक है थीका? अच्छा हम पढ़ते हैं उस अपना थर्टींथ क्वेश्चन थर्टीन क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है थर्टिन आंसर द फॉलोविंग तीन पार्ट बनाए हुए मतलब हर क्वेश्चन का एक एक नंबर है स्टेट द टाइप ऑफ मोशन शोन बाय फ्रीली फॉलिंग स्टोन ठीक है एक पत्थर है उत्तों की नीचे गिर रहा है फ्रीली फॉल हो रहा है को ले मोशन होगा कि मोशन होगा वलोसिटी चेंज नहीं आता होगा तो की होगा यूनिफॉर्म मोशन ठीक है यूनिफॉर्म मोशन होगा बी पार्ट देखो वेन आर स्टोन इज थ्रपर्ड्स एक स्टोन सुटिया इट्स वलोसिटी इज कंटिन्यूसली डिक्रीज वाई क्या वलॉसटी घटी जाती है क्यों घटती जाती है जो अभी किसी भी चीजों थलियादी उपर सुट एक चीज थले खिंच हूँ भला चीज होंगी जो खिंचा है ਅਰਥ ਕਿਚਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੌਲੀ 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 ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਪੁੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟਸ ਵਾਈਟਸ ਵੈਲੋਸਟੀ ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਪਾਰਟ ਹੈ गिवन ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਅ ਮੋਸ਼ਨ ਇਨ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਟੀ ਇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਬਟ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਜ਼ੀਰੋ एवरेज वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए बट एवरेज स्पीड जीरो नहीं होनी चाहिए कितना का मोशन हूँ तो असं की कहने अं की ड्रॉ करा ये सी पाट के एक सर्कुलर मोशन करा असं कहों के जड़ी वलॉसिटी है है ना वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है कि भला एक मैगनीश्यूड पर एक के डायरैक्शन क्योंकि वैक्टर क्वॉंटिटी है डायरैक्शन इतने भी चेंज हुई डायरैक्शन इतने भी चेंज हुई डायरैक्शन इतने भी चेंज हुई एंड डायरैक्शन इतने भी चेंज हुई हर पॉइंट पर की हो रही है डायरैक्शन थोड़ा, थोड़ा 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 चेंज आ रहा है तो इस केस ऐसी की कमांगे के कहेंगे तो कि जिड़ी थोड़े को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो being, की इग्जैंपल है एडी एवरेज वलॉसिटी होंगी है वह तो जीरो होंगी है बट एवरेज स्पीड जीरो नहीं होंगी फॉर द रीजन बिंग डायरेक्शन की होंगे है कंटिन्यूसली वेरी कर रही होंगी है चेंज हो रही होंगी है ठीक है तो ए थर्टीन का ए पार्ट का आंसर थर्टीन का बी पार्ट का आंसर एंड थर्टीन का सी पार्ट का आंसर और थर्ट से सी पार्ट डायग्राम भी बनावेंगे ਠੀਕ ਤਾਂ ਜੋ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ 5ਵਿਥ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਲੱਭਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਕਿਨੀ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ 5 5 5 5 6 6 ਲਿਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ छे डिफरेंस लगू लिखूंगे तो तीन फुल फ्लैज नंबर मिलने ही मिलने और सही लिखों और किसी का भी डिफरेंस पूछते एग्जाम्पल जरूर दौ ठीक है बहुत वाला तरीके तैयारी करो धा पेपर बहुत अच्छा होगा बेसिफ लक